राजस्थान में भाजपा केंद्र ने अपनी पार्टी की सरकार होने के कारण कड़ी से कड़ी जुड़ने की बात भले ही कर रहे हों, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। गुजरात और राजस्थान में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बरसात के बाद आई आपदा ने गुजरात को तो बड़ी राहत दी, लेकिन राजस्थान की सुध अब तक केंद्र ने ली ना ही राज्य सरकार ने। अपने गृह राज्य में मचे कोहराम को देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच गए और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा तक किया। हालात बेकाबू देख कर पीएम मोदी ने गुजरात के राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद का ऐलान किया, लेकिन गुजरात से सटे राजस्थान और पड़ोसी जिलों का दर्द अब तक उन तक नहीं पहुंचा। इधर राज्य सरकार ने भी पड़ोसी राज्य के लिए इतनी बड़ी राशि की घोषणा होने के बाद भी अपने यहां के हालात पीएम मोदी को केंद्र सरकार के सामने नहीं रखे। इसका नतीजा यह रहा कि 6 जिलों में बाढ़ के गंभीर नतीजे सामने आने के बावजूद अब तक लोगों को राहत देने का कोई इंतजाम नहीं किए गए। गुजरात में बाढ़ की भयावह स्थिति जानने के बाद पीएम मोदी ने अहमदाबाद में रुककर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की। यह चिंता पीएम मोदी ने उस समय दिखाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बाढ़ की भयावहता के बारे में बताया था। इधर गुजरात से सटे राजस्थान के 4 जिलों में भी बाढ़ के चलते हालात खराब हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हवाई दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने गुजरात तक ही खुद क्यों सीमित क्यों रखा? आखिर राजस्थान से इस बेरुखी की वजह क्या है? प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस इस मामले में लगातार भाजपा पर जुबानी हमला कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम गुजरात से सटे राजस्थान के बाढ़ प्रभावित सिरोही, झालोर, बांसवाड़ा का भी हवाई सर्वेक्षण कर पैकेज की घोषणा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भी बयान जारी कर प्रधानमंत्री के बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरे नहीं करने का दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और भी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब जरूर करें।